गुड इवनिंग. क्लास ले लेते हैं. उसका रीज़न क्या है कि हम लोगों का वह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सिलेबस, खासकर पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में. सेंटर स्टेट रिलेशन में जो दूसरा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है. हम लोगों ने एक सीखा कि केंद्र राज्य संबंधों में क्या संबंध है विधायनी वर्गीकरण का, केंद्र राज्य संबंधों में क्या संबंध है कार्यपालिका के वर्गीकरण का, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर स्टार्टेड इन द डे टाइम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन इकोनॉमिक बेसिस, के आर्थिक हालातों पर किस तरह का केंद्र और राज्य के बीच संबंध होता है. तो हमने कुछ एक आपको एक सूत्र वाक्य दिया था कि जो एक प्रिंसिपल है वह प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर केंद्र को, हर राज्य को, हर शासन को एक एडिक्वेट रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, सबको एक समुचित संसाधनों की आवश्यकता होती है. और जो हमारा जो फाइनेंशियल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा आर्थिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है केंद्र राज्य के संबंधों का, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया है. और यह एक तय प्रक्रिया है कि केंद्र और कि कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जिस पर कि कानून की सहमति न हो. और फिर हमने बताने की कोशिश की थी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स पूरे भारत में सबको है. फिर बताने की कोशिश की थी कि राज्य कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. और फिर मैंने बताने की कोशिश की थी अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट में वह किसी तरह का ट्रेड एंड कॉमर्स पे कोई कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए बनाया जाने वाला कानून राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जा सकता है. अब समझते हैं कि जो स्टेट है कि स्टेट हैज पावर टू लेवी टैक्सेस बट इन द केस ऑफ सर्टेन टैक्सेस लिमिटेशंस आर देयर. तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन अनदर एस्पेक्ट कि राज्य के पास कर लगाने की छूट है, लेकिन उसके लिए उसके पास कुछ तरह की समस्याएं हैं, कुछ तरह की वह इश्यूज हैं कि जब लिमिटेशन होता है. आप अगर एंट्री 60 लिस्ट 2 देखें, यू जस्ट सी द एंट्री 60 लिस्ट 2, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर कि हाउ आई एम ट्राइंग टू, व्हाट इज द टॉपिक आई एम टेकिंग राइट नाउ. द स्टेट हैज पावर टू लेवी टैक्सेस, स्टेट हैज पावर टू लेवी टैक्सेस बट इन द केस ऑफ सर्टेन टैक्सेस लिमिटेशंस आर देयर. तो जो लिमिटेशन को हम शुरू करते हैं, आप देखिए एंट्री 60 लिस्ट 2. व्हाट इज एंट्री 60 लिस्ट 2? एंट्री 60 लिस्ट 2 मिला आप लोगों को. आप सातवीं अनुसूची खोलिए, उसमें दूसरी अनुसूची है आपकी राज्य की. राज्य की जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो एंट्री नंबर 60 है, लिस्ट 2 एंट्री नंबर 60, पढ़िए क्या है. टैक्सेस ऑन प्रोफेशनल ट्रेड्स कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट. तो अगर हम इस एंट्री 2 को समझें तो एंट्री 2 क्या बोलता है कि राज्य के पास टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट है. और अब अगर हम इसको आर्टिकल 276(2) से देखें तो आर्टिकल 276(2) कंट्रोल करता है एंट्री 60 ऑफ सेकंड शेड्यूल. आप आर्टिकल 276(2) खोल के देखेंगे तो हमने बताया है कि 2500 रुपीज एक लिमिट है. इफ यू रिमेंबर माय अर्लियर लेक्चर आई हैव यूज्ड दिस कि देयर इज ए लिमिटेशंस ऑफ द 2500 रुपीज, कि जो आर्टिकल 276 सबसेक्शन 2 है वही है, बोलता है कि आप जो टैक्स लगाएंगे उस टैक्स के लिए टोटल अमाउंट क्या है 2500 रुपीज. द टोटल अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टू द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 2500 रुपीज पर एनम. नाउ यू अगेन रिफ्लेक्ट दीज टू इश्यूज इन माइंड.
कि एंट्री 60 ऑफ लिस्ट 2 विच एम्पावर्स टू द स्टेट टू लिवी टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सब सुपरवाइजर सेक्शन फॉर आर्टिकल 76 सब सेक्शन 2 विच सेज दैट टोटल अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टू द स्टेट shall not exceed 2,500 rupees. So how many questions are generating from only these two items? Entry 60, list 2 and 276, bracket 2. Ki Raj ke paas profession, trade aur employment par kar lagane ka adhikar hai. Lekin yeh adhikar 2500 rupaye tak simit hai. You got it? Got it or not got it? It's clear? Priyanka, clear हुआ नहीं हुआ? कि जो entry 60 list 2 है, वह यह बात करती है, यह बात कहती है कि profession, trade, calling and employments पे वृत्ति, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजन पर जो कर है, वह राज्य सूची का विषय है। राज्य इन पर कर लगा सकता है। अगर यह सवाल आता है कि प्रोफेशन ट्रेड्स एम्प्लॉयमेंट पर कौन टैक्स लगाता है तो राज्य उस पर कर लगा सकता है लेकिन उस कर को आप बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं जो अनुच्छेद 276 ब्रैकेट 2 है वह कहता है कि 2500 रुपए से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है अब इसको मिलाकर जब भी सवाल कोई प्रीलिम्स का इस पर बनेगा तो जो ये एंट्री 60 जो शेड्यूल 2 है और आर्टिकल 276 ब्रैकेट 2 है दोनों को मिक्स करके बनाएंगे वो बिकॉज दे वॉन्ट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू अब आप उसी एंट्री में आप एंट्री नंबर 54 देख लीजिए आप 60 के जस्ट ऊपर आप देखिए एंट्री नंबर 54 जो सेल और परचेज के गुड्स हैं अदर देन द न्यूज़पेपर्स वह बिलोंग करते हैं स्टेट को जो सेल और परचेज ऑफ गुड्स हैं अदर देन न्यूज़पेपर हैं वह बिलोंग करते हैं स्टेट को लेकिन बट टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप एंट्री 83 लिस्ट 1 और इंटर स्टेट ट्रेड एंट्री 92 ए लिस्ट 1 देखिए वह यूनियन को दिया गया है तो अगला सवाल क्या हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर और इंटर स्टेट ट्रेड पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र के पास है यह एंट्री याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है यह एंट्री मैं आपको सिर्फ से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें स्थापित हो जाएँ एंट्री याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है आपको कंटेंट याद करने की कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर और इंटर स्टेट ट्रेड पर जो टैक्स लगाता है वह यूनियन लगाता है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट ट्रेड यह एक संघ का विषय है और संघ इस पर टैक्स लगाता है आर्टिकल 286 क्या बोलता है कि टैक्सेस इम्पोज बाय द स्टेट Do not interfere with the import, export or interstate trade and commerce. Therefore, certain limitations imposed by Article 286. What does it mean? कि जो राज्य कर लगाएगा, जो भी राज्य कर लगाएगा, वह कर इस तरह से लगना चाहिए कि वह आयात निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में किसी भी तरह का बाधा न पहुंचाए इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य के द्वारा लगाया गया कर अनुच्छेद 286 के तहत एक प्रतिबंध रखता है आर्टिकल 236 जो मैं कह रहा हूं वही होगा जैसे यूर आर्टिकल 286 रीड मिल गया
restriction to state, a restriction as to impose of tax on sale or purchase of goods. No law of a state shall impose or authorize the imposition of a tax on the supply of goods or service of both where such supply take place outside the state or be in the course of import of the goods or services both into or export in the goods or services or both out of the territory of India. It's clear? Then clear when? Clear hua ya kya nahi hua? Jo anuchhed 286 hai ya kehta hai कि जो राज्य कोई टैक्स इम्पोज करेगा वह इस तरह से हो कि वह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न डाले. इफ यू रीड आर्टिकल 286 यू विल गेट दिस दिस कंक्लूजन. गॉट इट? हेंस वी कैन से there are certain limitations have been laid by the article 286 upon power of the states to enact the sales tax legislation. तो जो आर्टिकल 286 है वह इस तरह का एक बंधन डालता है राज्य पर कि वह सेल टैक्स के कानून बनाते समय सेल टैक्स की विधान को बनाते समय किसी तरह का कुछ तरह का वह बाधा उत्पन्न करता है. नो टैक्स पहला क्या है आप नो टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन सेल और परचेज विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट. राज्य के बाहर जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा. नो टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन सेल और परचेज विच टेक्स आउटसाइड द स्टेट. तो जो अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर कोई ट्रांजैक्शन होता है सेल परचेज का तो उस पर किसी भी तरह का राज्य कर नहीं लगा सकता है. नेक्स्ट क्या है? नो टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन सेल और परचेज which take place in the course of import into or export outside India. कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता राज्य के द्वारा कि जो import और export की प्रक्रिया के तहत भारत के बाहर संपादित हो रहा हो. तो नो टैक्स विच टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट इन टू और एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया. तो कोई जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता. गॉट इट? जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है उस पर दो लिमिटेशंस है. अगला सवाल क्या रहा है कि इंटर स्टेट से ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या लिमिटेशन है? तो जो 92A लिस्ट 1 है जो जीएसटी से संबंधित है उस पर कहा गया कि जीएसटी के उस इशू पर टैक्स को लेजिस्लेट करने का जो पावर है वह पार्लियामेंट के पास है. द पावर टू टैक्स सेल्स टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज विद इन द एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट. जो 92A है आप चाहे सुदेख भी लें लिस्ट 1 में है वह जीएसटी से संबंधित है और उसमें कहा गया है कि जो सेल्स लिया जाता है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है. इट्स क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? दूसरा क्या है इसका? एक तो फर्स्ट हो गया. दूसरा, इवन दो सेल्स नॉट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल इवन दो रुचि मेरे ख्याल से आप नए आए हो बेटा, टाइम से आया करो. आई प्रिफर द एस्पायरेंट शुड कम ऑन द टाइम बिकॉज इफ यू कम लेट यू विल मिस अ लॉट. द
lecture is going on continuous and each second we utilize for the quality teaching. The dusra hai, even though sales not in the course of interstate trade, agar jo kehte hain jo sales hai, agar wah in the course of interstate trade or trade of commerce nahi hota hai, to bhi state taxation should be subject to restriction and conditions imposed by parliament. Agar koi aisa sales hota hai jo in the course of interstate sales ke transactions nahi hote hain, uske bawajood bhi state taxation hai, wah subjected to hai restriction and imposed by the parliament. If the sales relate to the goods declared by the parliament, now you listen, a special importance in the interstate trade and commerce. What I want to say, ki agar koi sales interstate trade ke tahat nahi hota hai, uske baad bhi jo state ka taxation hai, वह पार्लियामेंट के कानून के सब्जेक्ट होगा. अगर यह डिक्लेयर कर दिया जाए कि यह उस ट्रेड का स्पेशल इंपॉर्टेंस है, इस पावर का इस्तेमाल कर, इन परसेंट ऑफ दिस पावर, शुगर, टोबैको, कॉटन, सिल्क और वूलन फैब्रिक टू बी द गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंटर स्टेट ट्रेड by enacting. तो इन चीजों को, sugar, tobacco, cotton, silk, wool, fabric को उन्होंने एक special importance के नाम पर घोषित कर दिया गया है. तो जो parliament की power का इस्तेमाल करते हुए इनको special importance का कर दिया है by enacting the additional duties of excise and impose special restriction upon the state to levy taxes on the sales of these goods. तो सवाल क्या बना कि state के पास taxation की सुविधा है, अगर कोई ऐसा transaction हो रहा है जो interstate नहीं है, जिस पर राज्य का पूरा अधिकार है कानून बनाने का, tax लगाने का, उन मामलों में भी अगर पार्लियामेंट इस बात को डिक्लेयर कर देता है कि उस तरह की कुछ वस्तुएं स्पेशल इंपॉर्टेंस की हैं, तो उस पर एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगाई जा सकती है. वो कौन कौन से हैं? शुगर है, टोबैको है, कॉटन है, सिल्क है, वूलन फैब्रिक है. तो एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लगाई जाती है या गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट 1957 के अधीन लगाए जाते हैं. तो स्पेशल रिजर्वेशन अपॉन द स्टेट टू लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ दीज गुड्स. तो स्पेशल रिजर्वेशन इसमें हो गया. यू गॉट इट? नहीं क्लियर हुआ? टेल मी, क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेड नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट गोइंग बैक टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केंद्र राज्य के संबंधों में कब राज्य कर लगा सकता है, कब केंद्र कर लगा सकता है. हम राज्य के और केंद्र के कर लगाने की शक्तियों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं. तो जो एक तथ्य विकसित हुआ है कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड है तो वह राज्य के अधीन नहीं होगा, केंद्र उस पर करेगा. अगर वह स्टेट के अंदर है तो राज्य करेगा. एक बेसिक सी पॉलिसी है. तो अगर मान लीजिए कोई स्टेट के कोई ऐसा जो हो रहा है जिसमें इंटर स्टेट ट्रेड नहीं हो रहा है, तो अगर इंटर स्टेट ट्रेड नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? राज्य के पास शक्ति है उस पर टैक्स लगाने का, लेकिन पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वह स्पेशल इम्पोर्टेंस का नाम लेकर, एक स्पेशल इम्पोर्टेंस का डिजिग्नेशन देकर वह एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज लगा सकती है या गुड्स और स्पेशल इम्पोर्टेंस एक्ट 1957 के तहत आती है. उसमें कौन कौन सी चीज़ है? शुगर है, टोबैको है, कॉटन है,
सिल्क है, वूलन फैब्रिक है. गॉट इट? यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. यह मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां पर फाइननेस आना शुरू होती है वह आपके एग्जाम के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट होने लगता है. तो यहां पे फाइननेस आना स्टार्ट हो गई है. जो पार्लियामेंट के पास नो लॉ ऑफ स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदर प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट और पर्सन विच इज. तो अब क्या हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकता. यू रीड आर्टिकल 27, जस्ट आर्टिकल 27, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी. You see the line number 2. State shall impose. Mil gaya? No law of a state shall impose or authorize the imposition of a tax on consumption or sale of electricity, whether produced by the government or other person. तो एक basic सा principle क्या आ गया कि electricity पर कोई भी tax impose नहीं हो सकता. Just see, exemption from tax of electricity. कि नो लॉ ऑफ स्टेट शैल इम्पोज और अथराइज द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेदर प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट और अदर पर्सन. मिल गया? तो अगला सवाल, तो अगला क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा हो सरकार या कोई अन्य व्यक्ति. सिर्फ सरकार नहीं, अगर कोई अन्य व्यक्ति भी उसको पैदा कर रहा है तो भी सरकार उसके पास अधिकार नहीं है कि वह टैक्स लगा सके. दूसरा, मैंने शुरू में ही कहा था प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल टैक्सेस. अगर आप आर्टिकल 285 ब्रैकेट 1 पढ़ें आपको साफ साफ मिल जाएगा कि वह कहता है कि जो यूनियन की प्रॉपर्टी, जो संघ की संपत्ति है वह सारे तरह के टैक्सेशन से मुक्त होती है. यह एक कर के बारे में एक प्रिंसिपल है. इसके बाद हम मूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड ऑफ टैक्सेस. कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम और नॉट प्रॉब्लम? हम दो तीन कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं फिर हम चलते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट टैक्स होता है. एक दो कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स एंड कंटिजेंसी फंड. लेट्स गिव अ फ्यू मिनट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस इशू. व्हाट आर दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स? कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड. जो ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जस्ट सी द सीरियल वाइज. ऑल पॉइंट नंबर वन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्य की संचित निधि. ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर वन. यू जस्ट राइट डाउन और तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको. यही एग्जाम में आपको होगा लिखना. ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड. ये आर्टिकल 266 में इसको डिफाइन किया गया है. ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर वन. नंबर टू, ऑल लोन्स रेज्ड by that government by the issue of treasury bills. Next, loans or ways and means advances and all monetary received by the government in repayment of loans shall form one fund, consolidated fund of India. तो कितनी चीज हो गई है आप इसको याद करिए कि इसमें कितनी चीजें हैं. पहली चीज क्या हो गई है, ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहला क्या हो गया, सारा राजस्व की प्राप्ति, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड फर्स्ट.
Number two, all loans raised, sare ऋण लिए गए, all loans raised by the government of India by the issue of treasury bill. Number two हो गया. Number three, loans. Number three क्या हो गया? Loans. Number three क्या हो गया? Loans are ways and means, advances and all monies received by government in repayment of loans. पहला क्या था? Loans raised, जो लोन लिए गए. अब क्या हुआ? जो लोन का repayment आ रहा है, shall from one fund that is consolidated fund of India. तो राज्य की संचित निधि क्या है? आर्टिकल 266 में, संविधान के अनुच्छेद 266 में राज्य की संचित निधि के बारे में जिक्र किया गया है, और राज्य की संचित निधि इन तीन चीजों से बनके तैयार हो रही है. जो यह संचित निधि है, यह केंद्र की भी होती है और राज्य की होती है, और यही जो तीन परिभाषाएं राज्य केंद्र के संबंध में हैं, वही तीन परिभाषाएं राज्य के संदर्भ में हैं, कि जो राज्य ने जितने लोन रेज किए, राज्य ने जितने लोन की प्राप्ति की, और राज्य ने जितने कहते हैं जितने रेवेन्यू रिसीव किए, जितने रेवेन्यू रिसीव किए, जितने लोन्स को रेज किया, और जितने लोन्स के रीपेमेंट की प्राप्ति हुई, वह उस राज्य की संचित निधि हो गई. एनी प्रॉब्लम? और इसके बाद ऑल अदर पब्लिक मनी, ये तो हो गया राज्य की संचित निधि. अब आते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड द स्टेट. ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रिएटेड इनटू द पब्लिक अकाउंट. दोनों परिभाषा केंद्र राज्य की सेम है, बस एक में केंद्र लिख दोगे, एक में राज्य लिख दोगे. All other public money received by or on behalf of the government of India or the government of state shall be credited to the public account of India or the public account of state. यह दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई जो आपके संचित निधि को लेके हैं और पब्लिक अकाउंट के बारे में है. नो मनी, अब तीसरे पॉइंट क्या है? नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया shall be appropriated except in accordance with law. जो पैसा राज्य की संचित निधि में आएगा, क्या तीन चीज आ रही है? All revenue received, all loans raised, all repayment of the loans. तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं. इसके द्वारा जो पैसा राज्य की संचित निधि में आ गया, वह पैसा तभी निकाला जाएगा जब संविधान में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन होगा. इसका मतलब क्या हो गया? कि जितना पैसा राज्य की संचित निधि में आ गया, वह संविधान में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद ही उसमें से निकाला जा सकेगा. संविधान में कैसे निकाला था? मैंने आपको समझाया था एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, मैंने आपको बताया था. जब मैं आऊंगा संसदीय समिति पे आपको और थोड़ा सा बता दूंगा, बट आई हैव टोल्ड यू. तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, आपको फंड ऑफ स्टेट है, यह साफ साफ बात करता है मनी रिसीव बाय द लोन, रिपेमेंट लोन्स, और यह इसको हम बोलते हैं, इस पूरा जो तीनों इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. लेकिन बट सच टैक्सेस एज आर असाइंड टू द स्टेट्स डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ फाइनेंस इज स्टार्टिंग. अब फाइनेंस शुरू हो रही है. क्या शुरू हो रही है? एक आपने समझ लिया कि वह तीन चीजें जो उस केंद्र को प्राप्त हो गई, वह केंद्र की संचित निधि हो गई. लेकिन जो यह चीजें प्राप्त हो गई, यह कही जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन सच टैक्सेस आर असाइन टू द स्टेट. अगर कोई टैक्स जो स्टेट को असाइन हो गया है, तो वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा, तो राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगा. समझ नहीं समझ आया? अगेन रिपीटिंग इट, ऑल
money raised by loans, all revenue receipts, all money received on repayment of loan shall form one fund that is a consolidated fund of India. But such taxes, ab yahan se dekhiye ye fineness hai, but such taxes as are assigned to the state do not form the consolidated fund of India. Ab yahi sawal pooch ke aap sab pre-class sawal gat karayenge ki taxes assigned to states form to the consolidated fund of India or not. Rajya ko assign kiya hua tax संचित निधि का भाग हुआ कि नहीं होगा. नाउ हियर द फाइनेंस किंग. इसी तरह राज्य के बारे में है. लाइक लाइक वाइज जो रा स्टेट फॉर्म बाय ऑल रेवन्यूज रिसीव बाय द स्टेट, ऑल मनी रिसीव बाय द लोन्स एंड ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट्स ऑफ द लोन्स. तीन ही चीजें हैं इसमें. आप तीनों में नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा. रेवन्यू रिसीव्स, लोन्स रेज्ड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑब्टेंड. No money out of the Consolidated Fund of India or of a state shall be appropriated unless in accordance with the law and purpose in the manner provided in the Constitution. अब manner क्या है? Article 112 to 117 है, Article 202 to 207 है. जरा हम समझ लेते हैं कि process क्या है, क्योंकि सवाल दो तरह से आएगा आपका कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है और उससे पैसा निकालने की प्रक्रिया क्या है. देयर इज टू पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड हाउ मनी कैन बी अप्रोप्रिएटेड. भाई पैसा वहां पर जमा हो गया, मान लीजिए कि 4,00,000 करोड़ रुपया वहां जमा हो गया, इनकम टैक्स कस्टम एक्साइज का पैसा इकट्ठा हुआ, पूरा पैसा मिला के 10,00,000 करोड़ रुपया हो गया. वो 10,00,000 करोड़ रुपया चला गया भारत के संचित निधि में. अब पैसा वहां रखा तो जाएगा नहीं, देश के पास तमाम समस्याएं हैं, तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबके लिए खर्चा करना, पैसा किस निकलेगा. तो वह जो अनुच्छेद 112 से 117 की प्रक्रिया है, जस्ट ओपन 112 टू 117, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है 112 टू 117. अब देखिए 112 क्या है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. 113 क्या है, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट विद प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स है. 114 क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल है. 115 क्या है, ग्रांट्स है. 116 क्या है, वोटर अकाउंट है. अब 117 क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स है. मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है. इसी का करस्पॉन्डिंग स्टेट के चक्कर में है 202 से 207. तो अगर किस कोई पैसा सरकार को निकालना है उस फंड से, तो सरकार या तो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट का सहारा लेगी, वह एस्टिमेट पेश करेगी, अप्रोप्रिएशन बिल पेश करेगी, अपने ग्रांट पेश करेगी, वोट ऑफ अकाउंट करेगी, वोट ऑफ क्रेडिट करेगी, स्पेशल प्रोविजन करेगी और उसको पार्लियामेंट की सहमति से बाहर निकालेगी. इट इज क्लियर? नाउ राइट ए क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम नहीं है? दुर्गेश, प्रियंका, प्रशांत, देखता अभी अभिषेक, एनी प्रॉब्लम? एनी ओके. व्हाट इज द Consolidated Fund of India and State, and what is the procedure? And what is the procedure to appropriate the amount from this fund? केंद्र एवं राज्य की संचित निधि क्या है और किस प्रक्रिया के तहत इस संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है. तो आप इसको जब हैंडल करना शुरू करेंगे तो आप आर्टिकल 266 जो है, जो आपके राज्य की संचित निधि के बारे में बात करता है, और जो आर्टिकल 112 से 117 और 202 से 207 है,
यह दोनों जो केंद्र और राज्य के संबंध बात करते हैं कैसे प्रसंग लगाएगा. वेन यू एड्रेस दिस क्वेश्चन यू मस्ट एक्नॉलेज इन योर आंसर शीट कि आप राज्य और केंद्र दोनों की प्रक्रियाओं का जिक्र करें. अगला है द पब्लिक अकाउंट. ऑल अदर मनीज जो ऑल रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, ऑल मनी रिसीव्ड हो गया, लोन पे रिपेमेंट का आ गया, वह चला गया एक रिस्पेक्टिव अमाउंट है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. उसके बाद जो ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव होगी बाई और ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वह बने वह कहाँ क्रेडिट होगा, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में हो. और राज्य का पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट में होगा. आर्टिकल 284 अगर आप देखें, जैसे आर्टिकल 284 आपको और क्लियर हो जाएगा. तो क्या है, यह है एक इलिमिनेटरी क्लॉज. यू सी द आर्टिकल 284 आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. इफ यू ओपन द आर्टिकल 284 यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. कस्टडी ऑफ द सूटर डिपॉजिट्स एंड अदर मनी रिसीव बाय पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट्स. इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसा और जमा होगा वह डिपॉजिटेड विद एनी कोर्ट इन इंडिया टू द क्रेडिट ऑफ एनी कॉज मैटर अकाउंट पर्सन शैल बी पेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. और जो इसकी प्रोसीडिंग है फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड द प्रोसीजर लेड ऑन आर्टिकल 112-127 हैज टू फॉलो. बट फॉर withdrawing the money out of public account, it is not necessary to follow the procedure. What is the difference again? कि जो consolidated fund of India है, जो संचित निधि है, उसमें से पैसा निकालने के लिए संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 केंद्र के संबंध में और 202 से 207 राज्य के संबंध में प्रक्रियाएं निहित की गई हैं और उन प्रक्रियाओं का पालन करके आप पैसा निकालते हैं. बट फॉर द पब्लिक अकाउंट्स ऐसी किसी प्रक्रिया का जिक्र नहीं हुआ है. गॉट इट. नाउ इट इज इनफ फॉर यू टू नो व्हाट इज द पब्लिक अकाउंट, व्हाट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ कम ऑन द अदर एस्पेक्ट, दैट इज द कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि. अगर आप आर्टिकल 267 देखें तो आपको आकस्मिक निधि के बारे में एहसास हो जाएगा. आकस्मिक निधि क्या है, वह आकस्मिक निधि है कि जो पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश ए कंटिंजेंसी फंड विच शैल बी पेड इन टू विच शैल पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सच सम एज डिटरमाइंड बाय द लॉ. इसका पर्पस क्या है, टू मीट आउट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर. इसका ऑथराइजेशन कहाँ पे है, आर्टिकल 116 में है. सेकंड क्या हो गया, कंटिंजेंसी फंड. कंटिंजेंसी फंड पार्लियामेंट बनाता है, इसका पर्पस क्या होता है, किसी अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर को देखने के लिए. इसके लिए जो ऑथराइजेशन है वह पार्लियामेंट जो आर्टिकल 105-116 में जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत इसको किया जाता है. होप इट इज क्लियर और नॉट क्लियर. आप 267 को आप संजीदगी से आप 30-40 पर पढ़िए, जो मैं कह रहा हूँ वही आपको वहाँ पर दिख जाएगा. जस्ट रीड 267 फॉर संजीदगी, जस्ट 30-40 सेकंड यू विल फाउंड व्हाट आई एम सेइंग. इसको अगर आप देखिए तो आप 4-5 जगह आप अंडरलाइन करिए, आपको तुरंत समझ और आ जाएगा. शैल बी पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, शैल बी पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. हाँ दुरेश क्लियर करता हूं. कंटिंजेंसी फंड क्या है, इसका जो हिंदी में शब्द है आकस्मिकता निधि है. कि अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में किसी पैसे की आवश्यकता है तो कुछ पैसा राष्ट्रपति के डिस्पोजल पर छोड़ दिया जाता है और संविधान की अनुच्छेद 115 और 116 में विहित प्रक्रियाओं का पालन करके राष्ट्रपति उस
फंड से उस निधि से पैसा निकाल सकता है. दिस इज द सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ द वन ऑफ द 2-6 फंड. यह एक आकस्मिक निधि है जो उस पर की जिसमें पैसा रखा जाता है किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को और इमरजेंसी को देखते हुए. अगर राष्ट्रपति को पैसे की आवश्यकता है तो यह पैसा उसमें से निकाल लिया जाता है और यह निकालने की प्रक्रिया अनुच्छेद 115-116 में निहित है और यह पैसा राष्ट्रपति के डिस्पोजल पे होता है. क्लियर हुआ? अब आप पढ़ो, इसके बाद पढ़ो. आप मेरे इस सरलीकरण के बाद आप सो पढ़ो. You just read after this. Just read for the 1 minute. You'll get it. Work clear? और जो यही प्रक्रिया जो केंद्र के संबंध में है, यही राज्य के संदर्भ में. सर फर्क क्या है? केंद्र में पैसे का कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है और राज्य में पैसे का कस्टोडियन राज्यपाल होता है. केंद्र के संबंध में आर्टिकल 115-116 अप्लीकेबल होता है पैसा निकालने की प्रक्रिया को लेकर, और राज्य के संबंध में आर्टिकल 205-206 होता है पैसा निकालने की प्रक्रिया में. क्लियर और नॉट क्लियर? Anyone else has a problem? Suresh, what happened? Suresh, did you eat food? Yes. Did you eat food? Anyone has a problem? Varsha, you have a problem? Varsha? वर्षा मौर्य, हैव प्रॉब्लम और नॉट प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने तीन चीज समझी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट, पब्लिक अकाउंट्स एंड कंटिजेंसी फंड. अब हम आते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्सेस का बंटवारा होता है. Now we are approaching towards one more aspect कि राज्य और केंद्र के बीच टैक्सेस का बंटवारा होता है. तो पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, कि जो कर इकट्ठा होता है उस कर का बंटवारा कैसे होता है. तो एक पहला क्या इशू है कि टैक्स लगाया गया संघ के द्वारा. और टैक्स लगाया गया संघ के द्वारा एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट ऑफ द कलेक्शन. तो पहला क्या हो गया, अगर हम इसको देखें तो जो टैक्स का बंटवारा हो रहा है उस टैक्स के बंटवारे में क्या बात हो रही है? कि टैक्स बिलोंग, जो टैक्स लिवेबल बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट आफ्टर कलेक्शन. दूसरा क्या है? लिवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट प्रोसीड असाइन टू दोस स्टेट विद इन विच वो लिवीड, जहां पर वो लगाया गया. तीसरा क्या है? लिवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ. तो टैक्स लगाया यूनियन ने, राज्य के द्वारा बांटा गया. दूसरा, लगाया गया, कलेक्ट किया गया केंद्र के द्वारा, लेकिन उसका जो प्रोसीड है वो असाइन कर दिया गया राज्य को. तीसरा क्या है? लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ. दिमाग चल रहा है? दिमाग नहीं चल रहा है? If his mind is not working, I can stop. Mind काम कर रहा है ना आपका?
फाइन है, चलो ठीक है। तो जो एक एक सिद्धांत है, जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कैसे होता है। पहला, सम ड्यूटीज ऐसी हैं जो लगातार संघ है, बट दे आर टू बी कलेक्टेड एंड इंटायरली अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट्स ऑफ द कलेक्शन। क्या नेट काम नहीं कर रहा है? क्या एकता नेट काम नहीं कर रहा? क्या नेट की सब प्रॉब्लम है? यू आर नॉट इन द लाइब्रेरी एकता, आर यू नॉट इन द लाइब्रेरी? सम ड्यूटीज आर लिवेबल बाय द यूनियन बट दे आर टू बी कलेक्टेड एंड इंटायरली अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स ऑफ द कलेक्शन। दिमाग स्लो चल रहा है? ओके ओके। और किसी का स्लो चल रहा है? अर्पिता, आपका दिमाग स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है? अगर दिमाग स्लो चल रहा है तो फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या है, टायर्ड हो गए। ओके, किसका फास्ट चल रहा है दिमाग? एनी बडीज माइंड इज मूविंग फास्ट और एवरीबडी माइंड इज मूविंग स्लो? जनरली आई फाउंड इफ आई टेक द सेकेंड सेशन ऑफ द डे, देन इन सेकेंड सेशन ऑफ द डे देयर इज द स्लो माइंड मूविंग। एंड आई अंडरस्टैंड, आपने दिन भर पढ़ा भी होगा तो शाम को थकावट आ जाती है। चलो कुछ बात ही करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, आई विल टेक इट टुमारो। चलिए पढ़ाई बंद करते हैं, विल जस्ट टॉक। चलो थोड़ा कुछ बात ही करते हैं। देखिए क्या है कि यह जो पढ़ाई बंद कर दिया, लेट्स टॉक समथिंग जनरल टॉपिक ऑन द एग्जाम पैटर्न। देखिए क्या है कि एक जो मैं हमेशा एक हाइपोथेसिस बनाता हूं कि जो यह परीक्षा है किस तरह ये संघर्ष की जा सकती है, हाउ वी कैन विन ओवर द एग्जाम। एक एक मैंने थ्योरी है जो मैंने रनिंग के ब्लॉग्स में बहुत लिखता हूँ और मैं रनर्स को बहुत बोलता हूँ, शायद आप पर भी यह उतनी ही अप्लीकेबल है। वह क्या है कि शरीर के पास क्षमताएं कम होती हैं, दिमाग के पास क्षमताएं ज्यादा होती हैं। तो अगर किसी बड़े काम को अंजाम देना है, अगर किसी बड़े काम को अंजाम देना है तो शरीर उसमें असफल होता है। शरीर के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह बड़े काम को अंजाम दे सके। वह कहां से आती है? वह दिमाग से आती है, मस्तिष्क से आती है, ब्रेन से आती है। अब वह मस्तिष्क और ब्रेन में आती कैसे है, यह बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठता रहा है। इट्स ए क्वेश्चन ऑलवेज बीइंग आस्क्ड कि इफ द माइंड हैज द पावर टू परफॉर्म देन हाउ टू ट्रेन द माइंड। द बेसिक इशू विच रेस्ट विद द होल ह्यूमन रेस इज दैट कि इफ द बॉडी हैज नॉट द कैपेसिटी टू परफॉर्म बट द माइंड हैज, देन हाउ माइंड शुड बी ट्रेन्ड। जो दिमाग की ट्रेनिंग है, जो माइंड की ट्रेनिंग है, वह बॉडी के रास्ते से ही जाती है। ऐसा कोई मैकेनिज्म विकसित नहीं हुआ है कि बगैर बॉडी को आप इंड्योरेंस दिए, बगैर बॉडी को आप टेस्ट टेस्ट किए, आप माइंड को ट्रेन कर ले जाओ। तो जब माइंड को ट्रेन करने की बात आती है तो वह बॉडी के थ्रू ही जाती है। जैसे आपकी मैं पढ़ाई लूं, जब आप लोग मेरे पास शुरू में आए थे तो आप लोग 4-5 घंटे नहीं पढ़ पाते थे, अब आप 10 घंटे आराम से पढ़ ले रहे हो। उसका रीजन क्या है? धीरे धीरे आपने अपने माइंड को ट्यून अप किया है। दूसरा, लगातार मुझको सुनते सुनते आपको लगा है कि इस परीक्षा के लिए एक अलग तरह की दक्षता की आवश्यकता है। यू नीड ए डिफरेंट टाइप ऑफ द एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी टू इंटर इन दिस स्टील फ्रेम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो आप कोशिश क्या कर रहे हो,
अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। अब अगर एक बार मस्तिष्क ट्रेन हो जाता है तो थकावट कम लगने लगती है। तो आप पहले अगर 8-9 घंटे भी थक रहे थे, आप आज 12 घंटे पढ़ो, तो 8-9 घंटा आपके लिए सामान्य होने लगता है। उसका क्या मतलब हुआ? यू आर रेजिंग योर ओन बार। जो बार आपके लिए पहले 6 फीट पे था वो 9 फीट पहुंच चुका है। बार के रेज करने की कोई सीमा नहीं होती है। देर इज नो लिमिटेशन, यू कैन रेज एज मच एज यू कैन। मैं भी जब आपको पढ़ाना शुरू किया था, आपके पहले मैं पढ़ाता था छोटा छोटा, कभी गया 1 घंटे क्लास लिया, 2 घंटे क्लास लिया, हफ्ते में क्लास जनरली मैं सैटरडे संडे को लिया करता था, वीकडेज कोई क्लास नहीं लेता था। तो हफ्ते में कितने हो गए? 4 हफ्ते हो गए। और 4 हफ्ते में भी हर हफ्ते नहीं आता था, 2 हफ्ते चला गया। तो वो छोटा काम होता था, छोटे टॉपिक्स होते थे। अच्छा, जिन तरह के छात्रों को मैं पढ़ाता था उसमें बड़े बेसिक आते, जिसे क्या जो सिविल बेसिक जो कोचिंग्स हैं जहां मुझको बुलाया जाता था पढ़ाने के लिए, वो कोचिंग्स क्या थे, वो बेसिक लेवल के लोगों को कैटर करती थी। कि जो लोग तैयारी शुरू करते थे उनको कुछ आता नहीं था, आप जो भी बोलो बहुत होता था, जो भी आप बोल दीजिए। बिकॉज मोस्टली द कैंडिडेट्स इन द कोचिंग्स आर द इनिशियल लेवल, जो कि इस परीक्षा पद्धति में प्रवेश कर रहे हैं, उनको ज़्यादा आता नहीं है। मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा भी है तो आपको इतिहास आता होगा, वो भी इतिहास सीमित आता है, चूंकि जो विश्वविद्यालयों की पढ़ाई की परंपरा है, आपको 5 सवाल 7 सवाल पढ़ने होते हैं, तो उसके बियॉन्ड आप जानते नहीं हो। तो वहां पर मुझे कोई पढ़ाने में दिक्कत नहीं लगती थी। बट वेन आई स्टार्टेड विथ यू, तो आई हैव टू टेक क्लास होल डे। इफ यू सी माई अप्रैल क्लास एंड जुलाई क्लास, मोस्ट ऑफ द डेज ओनली आई हैव टॉट यू। कि सुबह शाम तक अकेले मैं ही पढ़ाता रहा 8-8, 7-7 घंटे। तो क्या हुआ, मेरी बॉडी भी, मेरा माइंड भी ट्रेंड होने लगा। उसका फर्क क्या हो गया कि आजकल आप थकते हो, शायद मैं नहीं थकता। आई एम मोर कंसर्न टू टेक द सेकेंड सेशन रादर देन यू। उसका दो मैं पक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक क्या है कि यू आर फॉलोइंग मी, आपको नहीं पता है कि अगला क्या आने वाला है, मुझे पता है अगला क्या आने वाला है। तो सिलेबस खत्म करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद आप उसको उतनी तरह से नहीं देख पाओ जितना मैं देखता हूँ। जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें दिखती हैं, कई किताबों दिखती हैं। आपको मैंने कंसंट्रेट किया है कि आप ज़्यादा किताब मत पढ़िए, आप कम किताब पढ़िए। तो आपका जो विस्तार है चीज़ों को पढ़ने का वो सीमित है, मेरा असीमित है। जो मेरा जो असीमित विस्तार है मुझको बाध्य करता है मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ पढ़ूँ। तो जैसे मैं ज़्यादा चीज़ पढ़ लेता हूँ तो मुझे सप्लाई करना, कोई चीज़ पढ़ के मैं अपने रख लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। That need to goes to you. If I read something and it is useful for the civil services pattern, then I have to supply to my aspirants. तो इसलिए क्या है, मुझे ज़्यादा क्लास लेनी पड़ती है। मैं समझ गया कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है टाइम लेगा। मैं जानता था कि जो ये तीनों फंड है, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी, ये एक सेशन लेंगे, क्योंकि जनरली ये क्लियर नहीं होता है। अच्छा, मैं भी कोई महामानव नहीं हूँ, मैं भी पढ़ के क्लियर करता हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, पैटर्न देखता हूँ, क्वेश्चन बनने का ढंग देखता हूँ, फिर मैं प्रीलिम्स के मेंस के क्वेश्चन बनाता हूँ, देन आई स्ट्रक्चर ऑफ माई लेक्चर की किस तरह से हो। और मुझे भी समय लगता है ये समझने में। अच्छा, खुद समझ के अपने अंदर रख लेना और उसको समझ के किसी से अप्लाई करना, यह भी दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जो दूसरी प्रक्रिया है वो कठिन प्रक्रिया है। दूसरा, फिर आपको मैं समझने लग गया हूँ कि मैं ऑलमोस्ट अपने स्पायरेंट जानता हूँ, उनको कितना वो किसी टेस्ट में कितना मार्क्स पा जाएंगे और वो कब समझ रहे हैं कब नहीं समझ रहे हैं। तो आई हैव टू टेक आउट द लेक्चर ऑन द लेवल वेयर यू कैन गेज और अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, और फिर मुझको फाइननेस बतानी पड़ती है कि हाँ, यहाँ फाइननेस आ गई है। Because the major failure of yours till date is not because you are not working hard, you are working hard, but you are unable to still catch the final points. आपके में और प्रीलिम्स के पास होने में सिर्फ एक रोड़ा है अभी, वो क्या, आप फाइनल पॉइंट्स नहीं पकड़ पाते हो। द मोमेंट द क्वेश्चन इज बींग टिल्टेड और द मोमेंट क्वेश्चन नीड एनालिसिस, आप फंबल करने लगते हो। तो इसलिए मैं हमेशा उस फाइन पॉइंट पे अंडरलाइन करने लगता हूं कि ये फाइन पॉइंट है आप में और जो लोग खुद पढ़ रहे हैं। फर्क क्या है कि फाइन पॉइंट समझ में जल्दी नहीं आता है।
एक जो 22 23 24 25 साल की उम्र है उसमें फाइन पॉइंट समझने में वक्त लगता है, तो शायद मुझे फाइन पॉइंट पकड़ने में कम वक्त लगता है, आपने ज्यादा वक्त लगता है। तो जो आपका परफॉर्मेंस लेवल वहां नहीं आ रहा है जहां पर मैं चाह रहा हूं या जहां पर यूपीएससी चाहती है, वो सिर्फ यह कारण है कि अभी आप में वह आर्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है कि जो एक विशिष्ट बिंदु है जो किसी प्रावधान को, किसी घटना को, किसी सर्कमस्टांसेस को एक नए नजरिए से देखने की बात करता है, वह आपके कंट्रोल में आ रहा है। और मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो 100 सवाल प्रीलिम्स के बनेंगे उसमें 65-70 सवाल इसी फाइनल पॉइंट्स को लेके होंगे, बाकी 30 सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 सवाल आप सही करोगे, वह 30 सवाल शायद 25-30-40 हज़ार लोग सही करते होंगे मे भी, लेकिन वो 30 सवाल है वह इस बात का फैसला नहीं करते हैं कि कौन मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहा है। इस बात का फैसला वह सवाल करते हैं जो एक विशिष्ट दक्षता की मांग करते हैं। मेरे तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप मेरा लेक्चर काउंट, इट इज ह्यूज मैमथ है, मैं अप्रैल छोड़ देता हूं, जुलाई की क्लास में आप लोग सब थे मोरालेस, 118 घंटे क्लास हुई थी जुलाई की। फिर मुझे यह लगा कि यह रोज रोज क्लास लेवल काम नहीं चलेगा, मैंने 200 घंटे क्लास अनाउंस की थी अगर याद करिए, मैंने जुलाई क्लास में मैंने जोड़ा कि 200 घंटे क्लास के लिए फिर मुझको 3-4 महीने बाद आना होगा, तो 3-4 महीने में हमारा आपका संपर्क टूट जाएगा, फिर वही हुआ कहानी, उसमें फायदा नहीं होता। आई कन्वर्टेड टू द रेगुलर क्लास, दैट्स वाई आई डिजाइन द ऑनलाइन लेक्चर्स। अगर आप जोड़िए तो मेरे ख्याल से 400 से ज्यादा लेक्चर हुए होंगे, ह्यूज है, मैमथ है, मेजोरिटी ऑफ योर पोर्शन हैज बीन कंप्लीटेड। सेंटर एंड डिस्टेंस रिलेशन मैंने पहली पढ़ाई थी, मैं उसको फिर से पढ़ा रहा हूं। जब मैं फिर से पढ़ाने लगा तो मुझे लगा कि इसको और डिटेल कर देते हैं, फिर आई एम टीचिंग अगेन, आई शुड टेक अ मोर डिटेल लेक्चर ऑन दैट। जितनी तैयारी आपकी कराने की कोशिश की गई है, शायद मुझे लगता नहीं है कि पहले कभी मैंने अपनी तो नहीं की थी, इफ आई रिमेंबर माई ओन प्रिपरेशन इस तरह की नहीं थी, इतने फाइनल डिटेल्स मेरे को नहीं पता थे, क्योंकि मैं तो किसी पास गया भी नहीं, मैं तो खुद पढ़ा, मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस था नहीं कि मैंने कोई कोचिंग की हो, किसी पास गया हो, मैं अकेले पढ़ता था, तो इस तरह की कोई कोई सुविधा मेरे पास थी भी नहीं। लेकिन मैं ये ईमानदारी के साथ कहता हूँ आपकी तैयारी का जो स्तर मुझसे ज़्यादा था, जबकि मुझे डे वन से लगता था मेरा सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को अगर कोई काम करना है तो मेरे ख्याल से आप कोशिश करिए उस विशिष्ट दक्षता को प्राप्त करने की जो सवालों के अंदर छुपा हुआ चीज बाहर निकालते हैं। जैसे मैं आपका कल्चर का पोर्शन मैं देखता हूं, जब मैं कल्चर का पोर्शन देखता हूं तो मुझको हमेशा लगता है कि कल्चर के पोर्शन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे कल्चर ऑलमोस्ट आपको पढ़ दिया है, जब मैं कल्चर के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा ये लगता है कि यार ये आसान नहीं होगा। जैसे मैं आपको दो तीन कल्चर से लेकर चलता हूँ, जैसे क्या है कि मान ली हम कल्चर क्या है, संस्कृति को हम कैसे समझते हैं। जब भी हम संस्कृति को पारिभाषित करेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्रोत क्या है, जो इतिहास के स्रोत होते हैं वह हमारे संस्कृति के, हमारे संस्कृति भाग होते हैं। तो जैसे हम इस इतिहास के स्रोतों पर जाएंगे तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि मान ली मध्यकालीन भारत में इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। तो जब हम देखने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि जो भारत मध्यकालीन भारत है जिसमें मुसलमानों का आविर्भाव हुआ, जिसमें कहते हैं तुर्कों का आविर्भाव हुआ, जब तुर्क आए, तो सबसे वह महत्वपूर्ण कृतियां क्या हैं जो तुर्कों के बारे में हमको बताती हैं। बाकी आखिर हमने जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति एक साथ समन्वित होती है, उसकी आधारशिला कहाँ से रखी गई, वह तुर्कों के आगमन से शुरू हुई, उस पर तो थी नहीं। तो जो हमको किताब दिखती है, चाहनामा है, अल बरूनी की तारीख हिंद है, ताखिर यामनी है,
हसन निजामी की की जो ताजुल मैसिर है, ये सब किताबों के बारे में नाम जानना जरूरी तो है ही है। क्यों अक्सर किताब पूछते हैं, इस साल आपके अगर कल्चर के पेपर को एनालाइज करिए, इस साल का जो ट्रेंड है पिछले साल किताबों पर नहीं पूछा गया है, तो इस बार किताबों के बारे में सवाल आएंगे। यह जो किताबें हैं करीब 16-17 किताबें हैं जो तुर्कों के बारे में बताती हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है। अब जो ये किताबें हैं वह क्या, जैसे सबसे पहला क्या है कि 711-712 में जो अरबों द्वारा सिंध में विजय हुई, जो उस समय के तत्कालीन सिंध के शासक थे उनके बारे में विवरण कहाँ से मिलता है। तो जो चाहनामा हमको एक सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है, चाहनामा में 711-712 में जो अरबों द्वारा सिंध का विजय हुआ है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। और चाहनामा, तारीख हिल और तारीख यमनी, ये कृतियां अरबी भाषा में है। तो अगला सवाल क्या हो गया कि इन किताबों में कौन सी भाषा अरबी में है। तो तीन नाम लिख दिया, चाहनामा लिख दिया, तारीख उल हिंद लिख दिया और तारीख यमनी लिख दिया, ये तीन अरबी में है। चौथा कोई डाल देंगे फारसी का। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यह सवाल महत्वपूर्ण क्यों हो गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। ये इसलिए हुआ कि जो 711-712 में जो अरबों का सिंध पर विजय हुआ, जिसमें जो तत्कालीन सिंध के शासक थे उनके वंश के बारे में एक विस्तृत विवरण चाहनामा में उपलब्ध है। तो कोई भी सवाल जो आता है वह एक पर्पस से होता है, क्योंकि हमारा इतना विस्तृत अध्ययन नहीं होता है इसलिए हम उस पर्पस को समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे दूसरी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है ताज उल मैसिर, इसको लिखा हसन निजामी ने। अब हसन निजामी के ताज उल मैसिर के बारे में क्यों पूछा जाता है, जिसका जो हिंदी संस्करण है मुकुटों का ताज है। क्यों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन दोनों के बारे में ऐतिहासिक विवरण इसी कृति में सर्वप्रथम मिलता है। जब यह सवाल आता है कि ताज उल मैसिर का लेखक कौन है, तो हसन निजामी की ताज उल मैसिर है। यह महत्वपूर्ण क्यों हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश भारत में तुर्की वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान उनका है, जो तुर्क वंश की स्थापना हुई, और इनके बारे में जो ऐतिहासिक वर्णन है इसी कृति में सर्वप्रथम मिलता है। हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि यह सवाल महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, यही सवाल क्यों पूछा जा रहा है। जब आप ज्यादा पढ़ने लगते हो, जो मैं क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर ले जा रहा हूं उसका कारण क्या है, मेरा बहुत ज्यादा पढ़ना है। मैं जितना ज्यादा पढ़ता हूं उतना ज्यादा मैं देखने लगता हूं क्या सवाल आ सकता है। मैं बार बार दावा करता हूं कि यूपीएससी का सवाल कैसा बने, कैसा पेपर होने, एक बहुत बड़ा पोर्शन पढ़ाया हुआ आएगा। एक सवाल मैं याद दिला दूं कि साइंस के टेस्ट में फिजिक्स में एक सवाल का उत्तर गलत लिखा गया। सवाल था कि डायमंड में चमक कैसे आती है, हीरे में चमक कैसे आती है। हीरे में चमक के तीनों कारण हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। सवाल का उत्तर गलत था उसमें। हीरे की चमक में तीनों कारण हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो जो ये उनके बारे में बात की जाती है। अब दूसरा जो मिनहाल उस सिराज था, वो सुल्तान नासिर महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी था, तो मुख्य काजी भी उस समय इतिहास लिख रहा था। यह जो उसी की जो किताब है तबाकत नासरी है, यह इस्लाम धर्म जो है उसके बारे में और मंगोलों के आक्रमण का समान इतिहास लिखती है। मंगोल आक्रमण एक बहुत बड़ी घटना है, मैंने बहुत विस्तार पढ़ाया हुआ आपको। अब अमीर खुसरो के बारे में हमेशा बात होती है, क्यों, अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक 6 शासकों के जीवन बारे में लिखा। अक्सर सवाल आता है ना कि कितने शासकों के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है या कितने शासकों का टाइम रहा है। तो वह अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी के बीच रहा है और बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के बीच के 6 सुल्तानों का उसने जिक्र किया है। और सूफी सुल्तान जो निजामुद्दीन औलिया थे उससे उसका घनिष्ठ संबंध था। यह जो
इतनी बात जो मैं कल्चर में बनाने बताने कोशिश कर रहा हूं, उसका कारण क्या है कि यह एक ऐसा विषय है और ऐसे प्रश्नों की सीरीज बनती है कि जो यह बताती है कि कैसे सवाल बनते हैं, कैसे पढ़ने चाहिए। मेरा एक कल्चर क्लास आई विल टेक अगेन, हालांकि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। दिस इज द सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द योर टीचिंग। मेरे ख्याल से इट्स काफी टाइम हो गया, नाउ आई मे क्लोज डाउन द क्लास फॉर द डे। आई विल सी यू टुमारो अगेन, आई विल टेल यू कि एट दिस टाइम आई विल सी यू फॉर द क्लास। जो लोग नए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मैं जरूरी कहूँगा क्लास टाइम पे आए। टाइम पे आना उनके हक में ही है, उसमें हल्का सा मुझे व्यवधान जरूर होता है, लेकिन वो व्यवधान से ज़्यादा है कि आप समय पे आएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जो ये हम लोग क्लास चलाते हैं उसमें एक एक सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, हर सेकंड कोई कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई कोई एनालिसिस होती है। आप टाइम पे आएंगे तो शायद आपको बेहतर सुविधा का फ़ायदा होगा, ज़्यादा सीख पाएंगे। अपना उद्देश्य है, लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा प्राप्त हो, लोगों को सही दिशा मिले, लोग सही ढंग से पढ़ें, देश के लिए बेहतर काम करें। और जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी ऊर्जा है, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगला आपका टेस्ट एक मैं ज़रूर बायोलॉजी का लूँगा, शायद मैं उसको दो चार दिन बताता हूँ मैं आपको कब लूँगा। उसके बाद मैं फिर टेस्ट से दो दिन का ब्रेक लूँगा। सृजन और रजत ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि टेस्ट में ब्रेक चाहिए। आई टोटली एग्री विथ हिम कि उनको टेस्ट में ब्रेक चाहिए। टेस्ट कैजुअल नहीं होना चाहिए। एक तो क्या है कि हमने, मैं अपनी पूरी पद्धति में कई बार मैं मूल्यांकित करता हूँ, तो शायद मैंने टेस्ट ज़्यादा लिए। टेस्ट ज़्यादा लेने का नुकसान और फ़ायदा दोनों है। फ़ायदा क्या है, आपको एग्जामिनेशन सिस्टम में बार बार अपीयर होने का चांस मिलता है और नए नए प्रश्न देखने का अवसर मिलता है, ये फ़ायदा है। नुकसान क्या होता है कि जो टेस्ट के प्रति एक संजीदगी है वह कम होने लगती है। यू हैव नॉट सो मच इंटरेस्ट फॉर द टेस्ट, का बोला हर हफ्ते हो रहा है अगले दे लेंगे। तीसरा, मैंने एक चीज़ क्या नोटिस की है कि टेस्ट के होने से एक आप में इंटरनल मार्क्स को लेके मारामारी चल रही है। शायद वो मैं चाहता भी था कि अगर आप अकेले बैठ के पढ़ाई करें तो अकेले बैठ के पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। जब आप कई लोगों के साथ मिलकर बैठते हैं तो आप एक दूसरे से सीखते हैं, आप भी सिखाते हैं, आप भी सीखते हैं। तो शायद जो मेरा एक लाइब्रेरी स्टडी सेंटर का जो एक एक्सपेरिमेंट था उसको लेकर था, लेकिन मैंने ऑफ लेट ये समझने की कोशिश की है कि आप लोगों के बीच मार्क्स को लेके बड़ा कंपटीशन चलता है, आप लोग मार्क्स बेहतर पाना चाहते हो। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन अगर उसके लिए आप कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हो तो मेरे ख्याल से आप उस सारे पर्पस को डिफीट कर देते हो जिस पर्पस को लेकर ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया। देखिए, एक टेस्ट पेपर बनाना बहुत बड़ा काम है, उसको बनाना, लोड करना, चढ़ाना, फिर देखना, एग्जामिन करना, क्वेश्चन पढ़ना। और अगर आपने किसी ऐसे मीन्स को प्राप्त करके ज़्यादा मार्क्स ले लिए तो उससे फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा है। एक आपके झूठे अहम को तुष्ट जरूर मिल सकती है, लेकिन आप हकीकत में अपने अंदर जानते हो यह मार्क्स मेरा मार्क्स नहीं है। यू नो कि मार्क्स मेरा मार्क्स नहीं है। और नुकसान क्या है, आप अपने आप को एग्जामिन करने से दूर हो जाते हो। यू आर नॉट विलिंग टू एग्जामिनेट। आई अप्रिशिएट द एस्पायरेंट। मैं एकता ने मुझको एक मैंने एकता ने अपने परफॉर्मेंस पे मुझे एक नोट लिखा, आई अप्रिशिएट हर। शी सेड कि सर मैंने पहले कहीं पढ़ा नहीं था। मैं इसकी पूरी बातों से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। बोला सर मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था पढ़ाई कैसे कैसे में की जाती है, मुझे उस तरह की शिक्षा नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी, तो मुझे टाइम लग रहा है। आई अप्रिशिएट इट। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो, जिस तरह की आपको शिक्षा दी गई, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैंने कभी नहीं कहा कि आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आती है। आपको कोर्स कंट्री पॉलिटी है, मैंने कभी नहीं कहा, आपका कोई दोष नहीं ना भाई। आपको उस तरह की शिक्षा नहीं मिली, इसे मिलनी चाहिए, तो आपको कोई दोष नहीं। लेकिन आप लोग अच्छा करना चाहते हो, यह आपका अपना एक अचीवमेंट है, आपकी पर्सनालिटी का एक इतना बड़ा धनात्मक पक्ष है जो मुझे कम दिखता है।
मैं कई बार आपसे सीखता हूं कि आपने अपने पीछे के बैकग्राउंड को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की है, और इतिहास ऐसे लोगों ने ही लिखा है। इतिहास किसी संपन्न वर्ग के आदमी ने लिखा है, आप इतिहास खोल के देखिएगा, किसी संपन्नता से उपजा आदमी इतिहास नहीं लिखता है। अगर हिंदुस्तान में आप पूरे आईएएस आईपीएस आईआरएस का अगर वो अगर आप कहते हैं लिस्ट निकालिए तो उनकी संख्या 10,000 होगी, लेकिन उसमें जो संपन्न लोग थे वह किसी के बारे में शायद नहीं सोचते हैं, कम सोचते हैं। जो कम संपन्न लोग उसमें आए हैं वो लोग ज्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में। तो इस बात पे कहना कि मुझको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लीव इट, इट्स पास्ट, आई विल चेंज माई फ्यूचर, यू विल चेंज इट। तो आई टोटली अप्रिशिएट द एकता दोज लाइन्स जहां उसने एडमिट किया कि सर मुझे नहीं पढ़ाया गया इस तरह से, मैं नहीं, मुझे नहीं आता था, मैं नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ रही हूं, कोशिश कर रही हूं, आई अप्रिशिएट इट। चौसू सर कि मैं भागने वाली नहीं हूं, मैं जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन आप बहुत अच्छा मार्क्स पा जाओ किसी अनफेयर मीन्स से, उसे फायदा क्या हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा ना। दूसरा, किसी भी मामले में इमोशनल नहीं होने का। जो जीवन का की समस्याएं हैं, देयर नीड टू बी ए रियल आंसर टू ए रियल प्रॉब्लम, देयर इज नॉट एन इमोशनल आंसर टू ए रियल प्रॉब्लम। भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करने का। जो मैंने कल निर्णय लिया बहुत कठोर निर्णय था, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है, मैं रात में सो नहीं सका, लेकिन कई बार मजबूरी होती है, किया क्या जाए। अगर मैं उन प्रवृत्तियों को नजरअंदाज करता रहूंगा तो मैं और लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप भी उस प्रवृत्ति का पालन करिए। मैं बार बार बोलता हूं ना कि आई एम नॉट वर्किंग ओनली फॉर योर सिलेक्शन, आई एम वर्किंग फॉर टू हैंड ओवर द बेस्ट हैंड्स टू द नेशन। क्या आपने अगर मॉक टेस्ट में किसी तरह का अनफेयर मींस का इस्तेमाल किया तो क्या आप, क्या मैं बेस्ट हैंड को सुपुर्द कर रहा हूं? अब मैं उसको अगर नजरअंदाज कर रहा हूं तो यह मेरा फेल्योर है एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए रोल मॉडल। इन फ्रंट ऑफ यू आई एम ए गाइड ऑल्सो, योर टीचर ऑल्सो, योर रोल मॉडल ऑल्सो। अगर मैं उसको नजरअंदाज कर रहा हूं तो मैं अपने कर्तव्य फेल हो रहा हूं। अगर मेरा डिसीजन गलत है किसी तथ्य पे तो शायद मैंने बहुत बड़ी गलती भी की है, लेकिन मैंने पूरी बात समझने के बाद मुझे लगा नहीं, इट इज हाई टाइम टू टेक डिसीजन। आकांक्षा ने क्या बोला कि मैं लेट हो गई। क्यों लेट हो गई? कि लेट हो गई, मैंने बाहर बैठ के एग्जाम दिया। मेरे जिंदगी के इतने साल में कोई लेट नहीं हुआ। आप उसी कैंपस में लेट कैसे हो सकते हो? हाउ आर लेट? देयर इज नीड टू बी रिफ्लेक्स। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ द हाई लेवल ऑफ रिफ्लेक्स। कि आप में इतना फास्ट रिफ्लेक्स हो कि आप में कोई समस्या सवाल आवे आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाए। मैं अपना एक आपसे शेयर करता हूं एग्जाम्पल। मेरा 1991 एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, सारी गलती मेरी थी। सवाल क्या आया? इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज द क्वेश्चन? द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। आई डू नॉट नो हाउ। अच्छा, मुझे मॉनेटरी पॉलिसी भी आती थी और इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों पॉलिसी आती थी। आई डोंट नो हाउ माई माइंड स्टार्टेड वर्किंग। मैंने पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी लिखी और एग्जामिनेशन हॉल में एक बार जिस रास्ते पर दिमाग चल जाता है उसको आप वापस नहीं ले सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, मुझे एकाएक लगाया कुछ मिस हो गया है। मैंने पेपर वहीं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खोला, वो मैं आई वाज शॉक्ड कि वो मॉनेटरी पॉलिसी थी जो मैंने आपको पढ़ाई इतने दिनों से, जो आरबीआई की पॉलिसी है, अब मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी लिखी थी, सॉरी वाणिज्यिक नीति, आर्थिक नीति और वाणिज्यिक नीति आई थी, वाणिज्यिक नीति कॉमर्शियल पॉलिसी मैंने लिख दी इकोनॉमिक पॉलिसी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सवाल को एक बार से ज्यादा पढ़ना चाहिए।
सवाल को तीन बार पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री के जो दूसरा पेपर था, हिस्ट्री के दूसरे पेपर में जो यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट था, जो पूछा गया उसके मैंने अलग लिख दिया, आता सब था मेरे को, लेकिन ये दो तीन ऐसी गलतियां हो गई, शायद मैं मानता हूं कि उस उम्र में एग्जामिनेशन का प्रेशर हैंडल नहीं होता। आई मे बी नॉट एबल टू हैंडल एग्जामिनेशन प्रेशर, बट व्हेन आई अटेम्प्टेड द सेकंड टाइम आई हैव रेक्टिफाइड ऑल दीज थिंग्स। आई बेट टू डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्रा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, अब शायद वो है नहीं, हिंदी के बहुत ज्ञान थे, उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि दिक्कत क्या है। तो मैंने जो मेरा ये अनुभव था कि मेरा सवाल मिस हो जाता है, बोले कि देखो जो सवाल मीन्स में आता है उन सवालों में शब्दों की सीमा नहीं है, एंड यू आर क्लेमिंग दैट योर राइटिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट। बोला अगर सवाल कथ्य का आ रहा है आप शिल्प भी लिख डालो ना, आप तो आप कथ्य भी लिखो शिल्प भी लिखो, ऐसा दोनों को मिक्स कर दो आप कि लग जाए कि कथ्य और शिल्प आपस में जुड़ा हुआ। आई एम टॉकिंग हिंदी लिटरेचर, कि मान लो कि राम की शक्ति पूजा के कथ्य के बारे में प्रश्न आया है, अब राम की शक्ति पूजा के शिल्प में भी आप जानते हो, आप दोनों अगर सवाल इस बात से समझ में नहीं आ रहा है कथ्य शिल्प है दो लिख दो, एग्जामिनर अपना निकाल लेगा। इट इज गुड आइडिया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज डायरेक्शंस। तो जब आप अपना ऑप्शनल का पेपर हैंडल करो जहां पर शब्दों की सीमा नहीं है, अगर आप ऑप्शनल का पेपर आप निकालिए तो कुछ सवाल में आप जिस शब्दों की सीमा नहीं है, यू कैन डू दैट, बट क्रिस्प राइटिंग इज बेटर राइटिंग। आई ऑलवेज से जो क्रिस्प राइटिंग है वो बेटर राइटिंग होती है, वो बेहतर राइटिंग होती है। लेकिन जहां आपको लगे कि आप सवाल को बहुत सीधे अटैक नहीं कर पा रहे हो, यू ट्राई दिस मेथड, उस सवाल के पेरिफेरी में घुसने की कोशिश करिए और आप उसके आसपास की चीज लिख डालिए, सवाल छोड़ने का नहीं है, क्योंकि मेन से कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं। अगर आप मेरी टीचिंग पैटर्न को देखें तो मैंने बहुत चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश की है कि आप एक चीज को दूसरे से लिंक करिए। लिंकिंग क्या होता है, विजन ब्रॉड होता है, पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो एक पार्ट है, उससे बड़ा पार्ट क्या है कि हाउ यू एक्सपेंड योर हॉरिजन, आपके जो मस्तिष्क का क्षितिज है वो कितना व्यापक है। अगर क्षितिज व्यापक होगा तो लिखना आसान होगा, काम करना आसान होगा और एग्जामिनर को इंप्रेस करना आसान होगा। इसे मैंने आज सुबह आपको समझाया जो मेल न्यूट्रिशन का आर्टिकल था। अब उस मेल न्यूट्रिशन के आर्टिकल में था क्या, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक सामान्य सी बात को अच्छे शब्दों में कहने की कोशिश थी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, बट आई नो यू वॉन्ट टू लिसन मी मोर, आई कैन स्पीक। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप लोग सारा दिन सुनो, पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि काम ज्यादा हो गया। I will see you tomorrow. I will tell the time when I'll see you. Take care. Good night.